जय हो करवा माता की। फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि करवा माता की पूजा संपन्न करने के बाद हमें माता रानी से सुहाग दान कैसे लेना चाहिए, किस तरह की वो विधि है, किस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, जब हमारी करवा चौथ की पूजा संपन्न हो जाती है तो हमें माता रानी से, करवा माता से हमें सुहाग दान अवश्य रूप से लेना चाहिए। तो हमें वो माँ दान किस तरह से लेना चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सिंदूर दान होता है उसे फ्रेंड्स आप अपने पीलिए के पल्ले में देखिए इस प्रकार रख लीजिए और माता रानी को आप पाँच बार या सात बार आपको माता रानी को इस तरह से सिंदूर अर्पित करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें माता रानी से सुहाग दान लेना है और ये अवश्य रूप से सभी स्त्रियों को करना चाहिए। जो सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें इस प्रकार करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पांच बार देखिए सुहाग दान माता से लेने के लिए देखिए सुहाग देखिए इस तरह से माता को सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर पांच या सात बार कर सकते हैं। जो आपके हाथ में झूठा बच जाता है उसे आप अपनी मांग में सजा सकते हैं, अपने चूड़ियों के देखिए चूड़ियों पर लगा सकते हैं। जो आपकी सुहाग की चीज़ें हैं उन पर आप यहाँ पर इस तरह से माता रानी का ये झूठा सिंदूर लगा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है, तो अवश्य रूप से इस चीज़ को करें। तो उसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने माता रानी को पांच या सात बार हमने सिंदूर दान मतलब किया है, सिंदूर चढ़ाया है माता रानी को। उसी प्रकार देखिए अब हम सिंदूर दान लेंगे माता रानी से, तो पांच बार ही हम देखिए माता रानी से इस तरह से सुहाग दान में लेंगे। तो इस तरह से हमें ये विधि करनी है। और तो फ्रेंड्स, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो इस प्रकार से माता से सुहाग दान अवश्य रूप से लें। तो पांच बार हमने किया था, पांच बार ही हम माता से सुहाग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप पांच या सात बार ही कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। उसके बाद देखिए माता रानी से आपको अपने सुहाग के लिए देखिए प्रार्थना करनी है। माता रानी से अपने सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन सुखी रहे इसकी कामना करनी है। अपने पति के स्वस्थ जीवन के लिए, उनके यश के लिए, कीर्ति के लिए आपसे आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको यहाँ पर ये सिंदूर दान लेना है माता रानी से। तो इस प्रकार ही आपको ये सिंदूर दान लेना है, इसी विधि से लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही आपको ये करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उन्हें ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।